राम 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 राम। अरे पढ़ाई करो पढ़ाई। अरे ओए ओए सुनो बच्चों, कोई है घर में? हाँ माँ है ना। अंदर है। हाँ मेरा मतलब कोई मर्द आदमी नहीं है? मैं हूँ। हम है। आपसे थोड़ा सा बड़ा हो ऐसा कोई नहीं? राम 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 राम। क्या बात है? मैं गानू परब चिमगांव से आया हूँ पैदल चलकर। अच्छा अच्छा आइए बैठिए बैठिए। हाँ। बैठिए भैया। भाभी बाहर गांव से आदमी आया है, थोड़ा गुड़ पानी देना। तो चाय के लिए मत कहना। क्या नाम है तुम लोगों के? हाँ बताओ ना। शर्मिला। और तुम? जितेंद्र। अरे वाह। और तुम? अमिताभ। कद्दू। कद्दू क्यों भाई? जब तक ये पैदा हुआ इसके माँ बाप तंग आ चुके थे। अच्छा। लीजिए। बकरी किस काम से आए हो? यहाँ है एक नौजवान है वसंत मांडरे, जानते हो? कुल 70 तो झोपड़ियां इस बकरी गांव में, यहाँ हर कोई हर किसी को जानता है। फिर बसंत तो मेरे जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार। आदमी अच्छा है। क्यों? देखो अपनी बहन का रिश्ता लेके आया हूँ उसके लिए। रिश्ता? लेकिन बसंत तो शादी नहीं कर रहा। अब कर रहा है, तभी तो मैं आया हूँ इतनी दूर बात पक्की करने। अच्छा अच्छा। मेरी बहन मुश्किल से 20 की होगी। तो अभी से उसे घर से निकालनी क्या पड़ी है? देखिए जमाना साथ नहीं दे रहा, खेती बाड़ी का भी जोर नहीं। मैं काम ढूंढने बंबई जा रहा हूँ। यहाँ धक्के खाने से तो अच्छा है कि बंबई में धक्के खा। अरे रोजाना सैकड़ों लोग जाते हैं बंबई, क्या वो सब पागल है? खैर फुलवंती मेरी बहन, मेरी आखिरी जिम्मेदारी है, एक बार उसके हाथ पीले कर दूं। हर मर्द की एक ही दवा है शादी। आपका दोस्त करता क्या है? हम लोग खेत मजदूर हैं, दिहाड़ी वाला काम, जिस दिन मिल जाए उस दिन कमाई। अच्छा। नहीं लेकिन घर का अच्छा है, 4-5 जानवर हैं और घर में औरतों की खिटपिट नहीं, बस बसंत है और उसका बाप। हाँ वही पीछे पड़ा है बेटे के शादी के लिए। बीमार जो रहते हैं। अरे क्या बीमारी है? बुढ़ापा। चलिए मैं आपको घर तक पहुंचा दूं। हाँ हाँ चलिए चलिए। सुनो जाते जाते अपने भैया से कह देना जल्दी घर आए। अच्छा अच्छा। ये जो जमीन दिख रही ना यहाँ से वहां तक, ये सब हमारी है। अच्छा। बिल्कुल बंजर है, कुछ नहीं उगता, बस ये पीले जंगली फूल उगते हैं भर भर के, कटीले साले, काम का कुछ नहीं उगता। हाँ भाई उगेगा भी कैसे, यहाँ पानी जो नहीं है। मेरे बड़े भाई के आगे मत कहना, उन्हें पूरा विश्वास है किस जमीन के अंदर पानी है, 12 साल से कुआं खोद रहे हैं। अच्छा तो क्या वो आपके भाई है? हाँ हाँ। अरे हमारे चिमगांव में भी उनके चर्चे हैं, सब लोग उन्हें मालूम है पागल परशुराम कहते हैं, लेकिन पागल नहीं है वो, उनके दिमाग में बस एक पानी का फितूर है। परसु भैया सुनो, क्यों कोई काम मिला? नहीं। अरे दिन भर झक मार रहे हो, कोई काम नहीं मिला? तुम 12 साल से कुआं खोद रहे हो, पानी मिला? अच्छा। बस इतना ही आता है बड़ों को उल्टा जवाब देना, और वो भी परायों के सामने। अच्छा सुनो भाभी ने कहा है कि मालूम है भाभी ने क्या कहा है, वही किट 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 किट। बसंता। अरे हाँ बसंता, तेरे मेहमान आए चिमगांव से। नमस्कार। नमस्ते। पहले बता दिया होता तो। अरे अपन मिनिस्टर थोड़ी है जो पहले खबर कर देते। बाबा कहाँ है आपके? हाँ है ना। अच्छा मैं चलता। अरे ठहर चाय पी के जाना। अरे नहीं यार जल्दी। हाँ?
फिर पीऊंगा। बाबा चिमगांव वाले आए हैं। अरे आइए आइए। राम राम। राम राम। आइए आइए। बड़ी दूर से आए हो, थके होंगे, लो गुड़ पानी लो। हाँ ये आपके लिए लाया हूं। अरे ये किस लिए है? अन्ना अन्ना, राम 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 राम। अन्ना क्या है सोमा? मैं आ गया, आपने बुलाया था, 5 दिन बाद आना। मेरे लायक कोई काम है ना? काम ही नहीं है सोमा, वैसा ही आज 10 आदमी 4 लोगों का काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते वापस आना। अच्छा अगले हफ्ते। अच्छा अन्ना, मूली भाभी के पास ले जा रहा हूँ। सोमा थोड़ी मूली ले जाओ घर। अच्छा ले यार सोमा। क्यों बे, मुझसे पहले बैठ गए? चाचा थोड़ी मुझे, मुझे भी। अरे अरे क्या कर रहे हो, बांटो मत। इन शैतानों ने अपना दिया अभी चट कर दिया, तुम इनको अपने हिस्से में से मत दो। ओहो हिस्सा हिस्सा क्या होता है भाभी? लो बाबा आ गए। ठहर मैं तेरी बात बाबा को बताऊंगा। तो मैं थोड़ी ना चुप बैठूंगा। तूने इसे डांट खाई है क्या? बाबा बाबा जी तुम्हें क्या लिया है? आ लिया है तो लिया है। चुप, सांस भी लेने दोगे कि नहीं? घर में कदम रखा नहीं कि इनकी चैन 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 रोज डांट खाते हो। तो ये तुमसे कब बात करें? तुमको कुएं से फुर्सत मिलती है हमारे लिए? ए कुएं का नाम मत ले। कुएं का नाम मत ले, क्यों ना लूं? हाँ सारा गांव हंसता है इन पर और मुझ पर तरस खाता है। ओहो जाने दो ना भाभी, तुम भी बस। 16 साल से परेशान हूँ उस कुएं के पीछे। वो कुआं नहीं मेरी, मेरी सौत है। हाँ सौत है। देख तेरा ये भाषण बच्चों तक को याद हो गया। लेकिन तुम पर असर पड़े तब ना। शुक्र कर तेरी ये सौत बांझ है, नहीं तो अभी तक इनके टक्कर की एक और पलटन खड़ी हो जाती। भैया मैंने सोच लिया है। क्या? मैं बंबई जाऊंगा। बंबई? बंबई क्यों? यहां कोई काम जो नहीं है। बंबई में है? रोजाना सैकड़ों लोग भर्ती होते हैं बंबई शहर में, वो सब क्या पागल है? लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनका हाल तुमने देखा है? उन्होंने पैसे कमाए हैं अपने आप को बेचकर। वैसे भी कहीं ना कहीं तो बिकना ही है, शायद मुंबई में सौदा अच्छा पटे। कह रहे हैं तो जाकर देखने तो दो, तुम्हारी अपनी दुनिया तो कुएं तक ही है। कब जा रहे हो चाचा? मैं भी चलूंगा चाचा। ठहर जा ठहर जा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बंबई चिट्ठी लिखूंगा, पूछूंगा उसके बाद। और अभी तो वसंत चाचा की शादी है। अरे तो वसंत राजी हो गया? वसंत चाचा
क्यों राजीबा, शादी की तैयारी हो रही है क्या? हमें दावत पे बुलाना याद रखना। अरे पूरे गांव को दावत में बुलाऊंगा, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, कोई चोरी छुपे का मामला तो है ना भाई। अच्छा दाजीबा बैंड होगा? अरे बैंड, गैस बत्ती, बारात, लेजिम पार्टी, तमाशा, लावनी, सब कुछ होगा। सारे बकरू को हिला दूंगा। सोचता हूँ एक दिन रोशनी भी करूँ। हाँ बस करो बाबा, बस करो। एक दिन की रोशनी में जितना फूंक दोगे उसी खर्चे में 5 साल तक दिया जलता रहेगा। अरे घर का अंधेरा उजाला तो अपने तक ही रहता है, ये तो शादी का मामला है, सारे गांव का होता है, दोन धड़ा का। कोई ऐसा नहीं कह पाए कि बुढ़ा कंजूस है, उसका दिल छोटा है। तुझे इस गांव में रहना है कि नहीं है? रहना है और अपने असूलों से रहना है। अरे कल का छोकरा तुम्हारे काय के असूल? तुम तो बाल बुद्धि हो। तो फिर मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? शादी के लिए कौन सी अक्कल लगती है तुम बस? लेकिन बाबा ये सब करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है? खैरो बाबा, ये लड़के वालों से तो नहीं लिया? कर्जा लिया, 10,000 रुपया। 10,000? घर गिरवी रखा? अरे झोपड़े पे कौन कर्जा देगा? नहीं बेटे, गिरवी नहीं रखा। तो फिर नहीं? नहीं। हाँ बेटा। लेकिन क्यों बाबा, क्यों? अरे गांव वालों के सामने सर ऊंचा रहना चाहिए बसंता। कर्ज के बोझ तले सर झुकेगा बाबा? अरे समझा करो बात, घर में बहू रानी आएगी, मानो लक्ष्मी आएगी। पता नहीं लक्ष्मी आएगी या जाएगी। वसंत चाचा को क्या हुआ दाजीबा? अरे जवान खून है, कभी कभी गर्म होता है। अमिताभ तो नहीं आया यहाँ? क्या है? क्यों रे, तुम्हें माँ ने आटा लाने के लिए भेजा था ना, यहाँ क्या कर रहा है? दाजीबा, सुना है बहू बहुत सुंदर है? हाँ बहुत सुंदर है। क्या अपनी बकुरी में सुंदर लड़कियां नहीं है? एक ही तो है, मगर क्या है बहुत छोटी है। और उसी गांव की लड़की करो ना, हमेशा मायके भागती है। सोचता हूँ चश्मा लगा ही लो। अब आपको पढ़ना लिखना तो आता नहीं दाजीबा, चश्मा लगवा कर क्या करेंगे? अरे अक्सर ना सही, गेहूं चावल तो पढ़ पाऊंगा। और शादी में बहुरानी का मुंह देख पाऊंगा क्या? नहीं। इस नदी में भी चुल्लू भर पानी है। अबे तेरा दिमाग ठंडा कर दिया बहुत है। क्या सोच रहा? सोच रहा हूं तुम बंबई चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा यार। लो सुनो, अबे बीबी आएगी तो दुनिया को भूल जाएगा। मजाक मत कर, ये अचानक बंबई जाने का क्या ठान लिया तूने? सोचा तेरी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा।
यार बात यह है कि भैया और भाभी के बीच का तनाव देखा नहीं जाता, कब तक उनके सर पर बोझ बनकर रहूं, इसलिए सोच रहा हूं कि बंबई जाकर किस्मत आजमाई जाए। अब पैसे देने हैं क्या? तो क्या चश्मा मुफ्त में मिलता है क्या? चलना 10 रुपए ला। अरे मेरा डॉक्टर तो नंबर निकालने का 20 रुपए लेता है, यहाँ तैयार चश्मा 10 रुपए में। ला 5 रुपए। ला 5। आपको क्या चाहिए? अरे हमको चश्मा लेना है। आपका नंबर क्या है? आप तो हमारा ही पहला नंबर है। मैं क्या पूछ? अच्छा उठा। ओहो दाजी बाबा, ये देखिए। ना ना ये कहाँ से चश्मे लाई है? देखो। अरे नहीं रे दाजी बाबा, ये देखो। ठहरो अमित, स्लेट दे मेरे को। आप मैं पढ़ सकता हूँ अमित, ले ले। राजी बाबा अब जरा दूर का देखो तो। दूर का? ओहो कांच में से। कांच में से तो शर्मिला तुम्हें देखो। इधर सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा। क्या है? शुभ मंगल सावधान। देने वालों के नाम निको बाजानपुरी 2 रुपए, नाना भांगरे 5 रुपए, सीताबाई भुईफोड़ खाली पाकेट, परशुराम सरपट स्टील का लोटा, साहेबराव डेंगवे पाटिल 1 रुपया, चिमनू भिलवड़े 2 रुपए, भिकू तुपे खाली पाकेट।
यही बस है। चलो चलो भाई, बोरिया मिस्टर कंपनी आ जाओ। अरे बैठे ही रहोगे क्या? आओ। अच्छा माने फिर मिलेंगे। लो भाई आ जाओ। ये लो। अरे ये देखो सो। अरे मत आओ। ये देखो। चल ना। हाँ। सोमा। कैसा है तू? आओ भाई आओ। आओ सोमा। अच्छा तो ये है तुम्हारा ठिया। हाँ। रैन बसेरा। हाँ। ये अच्छा हुआ नया रंगरूट आ गया बकुरी से। हाँ हाँ बस अभी आ रहे स्टेशन से। तात्या सब अपने ही सगे हैं गांव वाले। हालांकि कईयों को गांव छोड़े हुए 5, 10, 15 साल हो गए। अंदर भी आओगे या चौखट पर ही खड़े रहोगे? हाँ चलो देखो ये एक एक खूटी हर एक के नाम है, जो मर्जी लटका दो। कपड़े, थैला, छाता, कैलेंडर, कुछ भी। ये खूंटी तुम्हारे नाम, क्या लगाओगे? फिलहाल ये थैला ही लगा दो। ए गुरु, अरे कटहल रख दो नीचे। सबके साथ बांटना पड़ेगा। यहाँ का दस्तूर है। अरे भाई सबके लिए ही लाया हूँ, ये भी कोई अकेले में खाने का फल है। लाओ। बड़ा है, पूरा पड़ेगा। 40 बंदे हैं यहाँ। 40? हाँ 40। लेकिन गनीमत समझो कि सब एक साथ कभी नहीं होते। वैसे हाउसफुल है। ये तुम्हारा कोना, यहां तुम ठाट से सो सकते हो। अच्छा। सिर्फ 8 घंटों के लिए, दूसरी शिफ्ट वाला आएगा तो जगह खाली करनी पड़ेगी। अरे कोई चाकू लाओ ना। घर में लाता हूं। लो। अरे चाकू है, चाकू का पिल्ला। ये चाकू का बाप। सच्ची सोमा तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें आते ही जगह मिल गई। हाँ अन्ना शिलार जो गुजर गया पिछले इतवार को ही गुजर गया, छूट गया बेचारा। 6 महीने टीबी अस्पताल में था, उसके फेफड़ों में रुई भर गई थी, जिंदगी भर की कमाई, 40 साल से मिल में खप रहा था। अच्छा अच्छा यार बस कर, तो मैं कब से काम शुरू करूं? हाँ हाँ सब्र करो सब्र करो। पहले तुम्हें जॉबर से मिलवाना होगा, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कमाई और पास। हाँ पास निकालने के लिए 300 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ लो। अरे ऊपर वालों को मत भूलो यार। तो पास के लिए 300? बंबई में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती राजा। पैसे कितने लाए हो? 20 रुपए। हाँ तो तुम्हें उधार लेना होगा, कम से कम 1000 रुपए। उधार? वो भी 1000? तो क्या सोचा, आज आई हो कल से कमाई होगी? अरे बंबई नगरी है, आसानी से काबू में नहीं आती। छोड़ो भी, आते उसे परेशान न करो। आओ तुम्हें सबसे मिलवा दो। अरे फिलहाल स्लीपिंग पार्टनर रहने दो। ये छोटू है, ये अभी तक काम पे नहीं लगा है। लक्ष्मण लोखंडे, ये दत्तू माने, अरे तुकाराम सावंत रंगीन तबियत के है। गणुडी के लड़का अच्छा है, बात टेढ़ी करता है। ये नीचे बैठे है शंकर सरडे, इन्हें तो मिल ही चुके हो एसटी स्टैंड पर। ये अपने तात्या, इस गाले के सबसे पुराने मेंबर। हाँ। और ये मारुति रणखाम, यहाँ के ताश मास्टर। इनसे बच के रहना। फिर बबन भोसले, और फिर सुरेश घोरपड़े, रामदास जगताप, दिलीप राणे, सीताराम सुर्वे, मुकुंद तांदळे, मधुकर शिंदे। बाबा तुम यहाँ नहीं सोओगे। अच्छा अब चाहोगे तो मुझे सिखाने लग जा, अंदर जा, अपने बीवी पर रोक कर सोने दे मुझे। तुम
तुम्हारी खांसी बढ़ रही है, तुम बीड़ी भी बंद नहीं करते। अरे मेरी बीड़ी तो मेरे साथ ही बंद होगी, तू सो जा, मुझे सोने दो। अरे तू फिक्र मत कर, हाँ मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, मेरा बाप भी तबेले में सोता था। हाँ अरे खानदानी रिवाज है अपना, तू सो जा, जा, जा। बाबा खांस रहे हैं। वो तो रोज खांसते हैं, इसलिए हमारे यहां चोरी नहीं होती। गिन लो, कमाई के कोई आसार नहीं, ऊपर से कर्जा ले लिया। कमाई की खातिर ही तो कर्जा लिया है। कर्जा लिए बगैर एक भी मजदूर बंबई में नहीं टिक सकता। अरे लाना भाई, जल्दी लाना। हेलो, अच्छा आप 300 वापस करो इन्हीं को। वापस? हाँ, लर्नर पास चाहिए ना। अरे पास आसमान से नहीं टपकता, क्या समझे? बड़ी मुश्किल से इंतजाम किया है, वरना 500 से कम नहीं लेते दोस्त। लेकिन दादा अपना आदमी है। अच्छा सोमवार से काम पे आ जाना। चलो भैया को मनी ऑर्डर कर दे। चलो। अच्छा दादा। अच्छा अच्छा सोमवार को। तुम लोग प्याज के खेत पे शुरू हो जाओ। दादा तू बोल। बस भाई बस, दोनों में से एक जन आना है तो आ जाओ। अन्ना एक और आदमी से आपको क्या फर्क पड़ता है? एक पहले ही 10 आदमी ज्यादा रख लिए हैं। मैं क्या करूं भाई, काम ही नहीं है। आना है तो दोनों में से एक आ जाओ। ए, तू जा, औरत के सामने बेकार मत बैठ, तेरी नई नई शादी हुई है। और तुम? जा। मैं और कहां जाऊंगा, जा जा। वसंता चल। लो तुम यही हो? अरे तुम्हारे ही घर जा रहा था भाभी को मनी ऑर्डर देने। तुम्हारे भाई ने 100 रुपए भेजे हैं बंबई से। अरे लाओ लाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, अभी को देके मरवा देते। तुम्हारे भाई ने तो कमाल कर दिया, वो अभी अभी बंबई गया है। हाँ देखो तो, बंबई को यूं ही माया नगरी नहीं कहते, पैसे बरसाती है, तभी तो हर कोई अपना गांव छोड़कर वहीं पहुंच जाता है। लो दस्तखत करो। हाँ लिखना आता है ना? कहो तो अंग्रेजी में नाम लिख दूं। या हाँ। ये लो परशुराम सरपट। अरे छुट्टा देना। छुट्टा? हाँ छुट्टा 50-50 के दो। हाँ ठीक है। कद्दू एक कद्दू मियां क्या कर रहा है? पढ़ाई। जा
कुएं पे जाकर अपने बाबा को खोद कर लिया। भूखे होंगे। रोटी उधर ही लेके जाओ माँ, मैं भी वहीं खाऊंगा। जैसा कहा वैसा कर जाके, बदमाश। बाबा बाबा, क्या है? माँ ने बुलाया है, खाना बन गया। खाना बन गया? हाँ। अरे तो यहीं ले आता, देखो ना यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है। वाँ, वाँ, वाँ। आ, तू भी आ जा। बस अब उतना ही बाकी है, अपने आप को तो गार दिया कुएं में, अब बीवी बच्चों को भी गार दो, तभी तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी। अरे ये कुआं खोद रहा है, ये मेरी कब्र। क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? सारा गांव हंसता है इस पगले पर, जब देखो कुआं खोदता रहता है, अब तो यहाँ सोने भी लगा है। अरे किसी चुड़ैल के पीछे भागता तो मैं उसे देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं? सुनो तो, जब तक पानी नहीं है तब तक ही तो सो सकता हूँ, एक बार कुएं में पानी भर गया फिर कैसे सोऊंगा भला, हैं? क्यों कद्दू? पानी? अरे इस कुएं में पानी नहीं, बस पसीना बहता है। सुन लो, अगर ये कुएं का नाटक बंद नहीं किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ। अच्छा पक्का? अरे रुको रुको, ओ घरवाली, ओ भगवान, कद्दू की माँ, कसम ये देख, तेरे देवर ने 50 रुपए भेजे हैं बंबई से। एक वक्त ऐसा आता है कि सब आवाजें बंद हो जाती है, कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ सब ठंडा से क्यों पड़ा है? ये सब मशीनें बीमार पड़ी हैं। बीमार? मुझे तो मरी हुई लगती है। एकदम शमशान घाट लग रहा है। हाँ, बड़ी स्ट्राइक के बाद कई मिलें बंद ही पड़ी, सरकार ने चलाने को ली लेकिन वो पूरी क्षमता के साथ चला नहीं पाते हैं। फिर ऑटोमेटिक का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ 4 मशीन पर 1 आदमी होता था अब 16 पर 1 होता है। क्या करे, सब मशीनें बेकार पड़ी, जंग खा रही है। मशीनें भी बेकार, आदमी भी बेकार।
राम नाम सत्य है। अरे माने मेरी कटोरी गई थी यार तुम्हारे। अरे मौसी ने आज क्या भेजा है? अरे बाबू क्या लाया? आज मेरा पीछे ना क्या जर करा ना। अरे ये मेरा डब्बा है, ले लो। क्या है करम? ये लो माने, बैंगन की सब्जी तात्या, और ये मेथी के पकौड़े। सोमा अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, जब तक तो खुद कमाता नहीं है तुम्हारा जिम्मा हमारे ऊपर है। हाँ भाई हाँ, तो तब तक मुझे दूसरों के टुकड़ों पर पलना होगा। दूसरों के नहीं सोमा, अपनों के। अरे तुम्हें भी नए आदमी को यही देना होगा। सोमा शुरू करो। बिंदास यार। कल मेला है। हाँ तो क्या, हम नहीं जाएंगे? पैसे पड़ते हैं। तेरी शादी में कितना खर्चा हुआ पता भी है? शादी मेरी अकेले की थी। लो तुम भी एक लो। अरे लो, हम ही तो है यहाँ। छी, बहुत गंदी चीज है बीड़ी। बहुत अच्छी है, कम से कम मना तो नहीं करती। अच्छा चलो एक सुट्टा ही ले लो, चलो। रखो अपने पास। अरे मैं लेने ले जाऊंगा। तीन। ये मत समझो कि बंबई के लोग बड़े धार्मिक हैं। ये दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें इसलिए बनाते हैं कि लोग यहाँ सड़क पर पेशाब न करें, हालांकि करने वाले फिर भी कर ही जाते हैं साले। चल चल जल्दी कर। बदमाश छोकरो क्या कर रहे हो? चलो भागो। भागो भागो। दाड़े चोरी। मेरे भतीजे भी इन्हीं को मर के हैं, बड़ी याद आती है उनकी। यहाँ का हर बंदा किसी न किसी की याद लेकर जी रहा है अकेला। 40 जनों के बीच। अरे मेरी कोई चिट्ठी? सोमा एक तुम ही नहीं हो, यहाँ का हर आदमी अपना घर बार, अपने माँ बाप बीवी बच्चे सबको वहां पीछे गांव में छोड़कर यहाँ इस गाड़े में जिंदगी बिता रहा है। लाला जरा बटन ताक दे दो। जरा बटन लगा दे यार। हाँ, मेरी टेल। आओ भाई पत्ते ला। लो ये, अरे मेरा पायजामा हो गया क्या? लो जा। मुझे बाहर जाना है। क्या करना है? चलो चलो ले जिम खेलने चलो। हाँ चलो चलो जल्दी। अर्जुन किधर है? अरे चल जल्दी, कब से बैठा हूँ यहाँ। चल चल हाँ चल रहा हूँ। चल भरी जवानी में यहाँ ही रहना। हर किसी ने अपना जोश पूरा करने का अपना अपना तरीका निकाला है। हाँ तुम भी अपना तरीका अपना लो सोमा। हाँ यार, भूल जाने का, मन बहलाने का। हाँ ना, बोलिए क्या करना? आज हाँ, आज तो आराम करना है भाई। मतलब आज काम नहीं है। ए जरा उधर संभालो, कहीं बढ़ ना जाए गंगाराम। अन्ना ऐसा मत कीजिए, कुछ काम निकालिए ना। तुम्हारे लिए कब तक काम निकालता रहूं वसंता? काम होता तो मैं बुलाता नहीं। मैं बुला लूंगा, ठीक है। अरे ओ जा। ए मेरी नई चड्डी। ए अरे नहीं मेरा इधर आ। वसंत चाचा देखो हमारे नए कपड़े। वाह, लेकिन नए कपड़े किस खुशी में? दिवाली तो अभी दूर है। बंबई से चाचा ने पैसे भेजे हैं। हाँ,
मनी ऑर्डर भेजा है, लगता अच्छा कमा रहे हैं। पहुंचते ही 50 रुपए भेजे। अच्छा, अरे वाह। लेकिन माँ ये शर्ट बहुत टाइट है, बटन लगाता हूँ तो सांस रुकती है। अरे तो ऊपर का बटन खुला रखना, ऐसे। सारे कपड़े मेरे नाप के बनाए। माँ तुम हमेशा अमित के नाप के कपड़े बनवाती हो। फिर तीनों अदल बदल के पहन सकते ना। माँ मेरी चड्डी बहुत ढीली है। नंगे घूमने से तो अच्छा है ना, नुनू ढक जाता है। आज तुम्हें भी काम नहीं मिला? परशुराम भैया कहाँ? कुएं का बादशाह और कहाँ होगा, अपने दरबार में। फिर वहीं जाता हूँ। उसके चक्कर में मत पड़ो, आज छुट्टी मिली है तो घर जाओ अपनी बीवी के पास। किस मुंह से जाओ भाभी? सुनो, चिमगांव में एक नया बीड़ी कारखाना खुला है, वहां औरतों को भी लेते हैं। मैं वहां शर्मिला को भेजने की सोच रही हूँ, क्यों ना तुम? नहीं, मेरी बीवी काम पे नहीं जाएगी। हाँ, आप इस वक्त घर कैसे? काम पर दिल नहीं लगा, तुम्हारी याद आती रही। शाय हटो, वाह बातें होंगे, घर आए हो तो गरम गरम खा लो। नहीं, अभी दिल नहीं। ए, मुझे भी दो ना एक बीड़ी। नहीं। अच्छा एक सुट्टा ही दे दो। नहीं बोला ना, लत लग गई है तुम्हें, गंदी चीज चाहिए। आज तू घर में कैसा रे? ऊपर वाले की मर्जी है, एक ना एक दिन तो ही होने ही वाला था। सुना है चिमगांव में एक नया बीड़ी कारखाना खुला है। नहीं, मैं घर बैठा रहूंगा और मेरी बीवी काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, पाटिल का आदमी आया था कर्जे का हफ्ता मांगने। तो फिर चुका दो, मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझसे पूछकर कर्जा लिया था। अरे तुम्हारी शादी के लिए ही तो लिया था। अपनी शान के लिए लिया था, गांव के सामने बत्तियां जलाई क्योंकि तुम्हारी इज्जत बढ़े, लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारा सिर ऊंचा रहे। अब बस भी करो, अपना गुस्सा बाबा पर क्यों निकाल रहे हो? बोलने दो बहू, सच तो कह रहा है, हम लोग शादी में इतना पैसा फूंक देते हैं, अपने मातम के लिए भी कुछ नहीं बचता। ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालिए। मातम के लिए कुछ नहीं बचता, अब ये बोलने से फायदा? जमाना बदल रहा है लेकिन आप नहीं बदलेंगे। बेटा जमाने के साथ साथ उसकी रफ्तार से चले, इतनी ताकत हम में कहाँ? तुम्हारी खांसी बढ़ रही है और मैं इलाज कराने के काबिल नहीं हूँ। अब ले जाओ जानवर तबेले से, जा गांव वालों के सामने से जानवर ले जाओगे तो क्या इज्जत रहेगी? बोलो, चौपाल से जानवर ले जाओगे तो सर मत झुकाना, सीना तान के जाना। हाँ, अब तो सोमा रुल गया। हाँ, एकदम मंजे हुए मिल मजदूर की तरह काम कर रहा है। सोमा, तुम्हारे भतीजे की चिट्ठी आई है, बड़ी मजे की लिखी है।
आदरणीय सोमा चाचा को प्रणाम। आगे समाचार ये है कि आपने बम्बई से जो 50 रुपए भेजे थे, 50 तो उन 50 रुपयों से माँ ने हम तीनों में मिलकर एक अच्छी शर्ट पैंट की जोड़ी सिलवा दी है। अगली बार आप बम्बई से मेरे ही नाप का जोड़ा भेजना। शर्मिला दीदी चिमगांव की बीड़ी फैक्ट्री में जाने लगी है, अभी कुएं में पानी नहीं आया। बाबा कहते हैं कि अब कुछ ही दिनों की बात है। ए, सोमा शुरू हो जा। दाजी बाबा को हसन चाचा डॉक्टर के पास ले गए थे, उन्हें कोई अंग्रेजी बीमारी हुई है। चाचा आप बम्बई में बहुत ठाट से होंगे। हाँ नाम? भीमा भाई नामदेव पाटिल। पहले काम किया है? हाँ किया है। कितनी बीड़ी बना लेती हो दिन में? 1000। चलो बगड़ू भाई शिवाजी राव टिमगिरे। ए तुम दोनों आगे आगे आओ। ए चलो पीछे पीछे चलो। अरे 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 खामोश खामोश। क्या नाम है? हौसा भाई परशुराम सरपट, बकुरी गांव से। बकुरी से? वहीं से एक नई लड़की आई है, वो भी सरपट है। वो बेटी है मेरी। वो कहाँ है? वो नहीं आएगी, मैं जो आई हूँ उसके बदले। अच्छा अच्छा, और तुम? तुम्हारा नाम? फुलवंती वसंत मांडरे। फुलवंती, अच्छा नाम है। कहाँ से हो? ये भी बकुरी से है। क्या फुलवंती भाई बोलती नहीं? बीड़िया बनाई है कभी? हाँ बनाई है, बनाई है। वही तो। क्यों जी, बीड़िया बनाने का अनुभव है? खैर अनुभव तो आते आते आएगा, सीखने की इच्छा है? बहुत अच्छे। रोज चलकर आओगी इतनी दूर? बकुरी यहां से 5 किलोमीटर है, टाइम पर आना होगा नहीं तो पैसे कटेंगे। अच्छा काम करोगी तो तरक्की भी होगी। हा? अच्छा चलो। हाँ आगे, क्या नाम तुम्हारा? अंकुभाई। गंगूभाई? हाँ। अरे भाई वही गंगूभाई नहीं। हाँ बिड़िया बनाई कभी? हाँ बनाई। मत क्यों रो रही हो? मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूं, मैं तो वापस आऊंगा ही। मुझे तो यहीं रहना है बकुरी में तुम्हारे पास, लेकिन उसके पहले कुछ बनना चाहता हूं, कुछ कमाना चाहता हूं ताकि तुम्हें काम न करना पड़े। रानी की तरह रखना चाहता हूं तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बिना मैं रह पाऊंगा? मौका मिलते ही मैं तुम्हें बंबई बुलाऊंगा। सारा शहर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारी रोती सूरत याद नहीं रखना चाहता, समझे? अरे भाई वो बैग निकल ऊपर का। ये क्या? वो नहीं, वो नहीं। ये नहीं, नहीं उसके बाजू में। अरे ओए, अरे काली वाली। हां सर। तो तू आ गया बंबई? वो काली वाली टंग दे।
ए शिंदे किनारे आ जा। देखा आदमी और मशीन का सुर और ताल कैसा मिला हुआ है। बड़ा डरावना माहौल है यार। अरे फिक्र की कोई बात नहीं यार, जब तक आदमी को ये मालूम हो कि बॉस वो है। क्या मशीन को ये मालूम है? कमाल है यार, तुम लोग 8-8 घंटे कैसे काम कर पाते हो? ये आवाज तुम्हें पागल नहीं बना देती? कौन सी आवाज? अरे बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम, 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 अरे बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम। गांव में बहती दूध की गंगा है, गांव में बहती दूध की गंगा है, ऐसा गोकुल छोड़ा भाई क्या नरकपुरी ये भावत है। मकड़ी के जाल में कीड़े हम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम। धुआं घुटन और बीमारी, धुआं घुटन और बीमारी, यहाँ जवां मर्द के बाल पके, हर कुछ बिकता है इस नगरी बोल तुम्हारा 4%। अरे 4% भी नहीं कम। बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम, बम बम बम। वहां आंख बिछाए बैठी राधा, आंसू उसके सूख गए, वहां आंख बिछाए बैठी राधा, आंसू उसके सूख गए। बच्चे जो पीछे छोड़े वो शक्ल बाप की भूल गए, बच्चे जो पीछे छोड़े वो शक्ल बाप की भूल गए, अरे भूल गए तो क्या है गम। बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम। अरे कमीनो बेईमानो, बड़बड़ताने देते हो फिर भर्ती क्यों कर होते हो तुम, भर्ती क्यों कर होते हो। अरे बिना बुलाए तुम मेहमान, ऊपर से हो नमक हराम, वापस जाओ हरि गुण गाओ, वापस जाओ हरि गुण गाओ, यहाँ तुम्हारा क्या है काम, यहाँ तुम्हारा क्या है काम। किस्सा अब ये करो खत्म, खत्म खत्म भाई करो खत्म। बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम, अरे बम्बई 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 बम। नगर नहीं है भूल भुलैया, खून पसीना यहाँ बहाया,
अरे खून पसीना यहां बहाया, इस नगरी का नमक चुकाया। मर गए, आज फिर पैसे कटेंगे। रुको तो, जल्दी भाग। राम भाग जल्दी। ए, अरे आज फिर देरी हो गई। लगता है पैसे कटवाने का शौक है तुम दोनों को। पांव पड़ते हैं मुंशी जी, पैसा मत काटना, पूरा रास्ता भागते आए हम लोग। फुलवंती बाई के गाल तो लाल हो गए भाग भाग कर। चलो आज छोड़ देता हूं, कल से वक्त पर आना हो सब। आई जी, भोपू से पहले पहुंच जाऊंगी। और तुम? फुलवंती बाई भी वक्त पर पहुंचेगी? कैसे मजे की बात है, आज ही तुम्हें लर्नर पास मिला और आज ही मेरी पहली तनख्वाह मिल रही है। ठीक ठाक। कुछ बचा भी है? अरे बहुत है, चल आज ऐश करेंगे। नहीं, मैंने ठान लिया फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। अबे ठान तूने लिया है, मैंने थोड़ी खर्च मैं करूंगा। चल सोमा, ऐसे ही पैसे खर्च करते रहेंगे तो कर्जा कैसे चुकाएंगे? अबे उसकी फिक्र लेनदार करेगा, तू क्यों? चावल लेगा? हाँ थोड़ा। अरे सुनो भाई अब्दुल, एक प्लेट चावल और ले आना, जरा मार के। मार के मतलब? मतलब चावलों पे थोड़ी तरी छिड़का के, उसके पैसे अलग से नहीं देने पड़ते। यार तू तो पूरा बंबई वाला हो गया। अबे जब जीना ही यहां हो तो जितने जल्दी हो इस शहर को अपना लो, जिंदगी आसानी से कटेगी। जिंदगी तुम बंबई में बिताओगे? अब जिंदगी का सोचा किसने यार, लेकिन कहते हैं एक बार जिस मायापुरी में फंस गया निकलना मुश्किल है। वो होती ना शेर की गुफा, जानवरों के पंजों के निशान सिर्फ अंदर जाते हुए, बस ऐसी है बंबई नगरी, शेर की गुफा। मैं निकलूंगा इस गुफा से ज्यादा 2 या 3 बरस बस। क्या रखा है यहां? धुआं, घुटन, भीड़, गंदगी, बीमारी। एक आदमी को जगह मिलती है वो भी बस सोने के लिए, करवट भी नहीं बदल सकता। 8 घंटे के बाद उठो, जगह खाली करो, शिफ्ट खत्म करके दूसरा माइका लाल आया है सोने के लिए, सोना भी शिफ्ट में। अरे खाओ यार, हैं मटन लो। जी तोड़ मेहनत करते रहो जिंदगी भर और फिर भी कर्जे का बोझ बढ़ाते रहो, फेफड़ों में रुई भरते रहो, एक दिन टीबी हो जाएगी, किसी खैराते अस्पताल में मर जाओगे अपने सगों से दूर। लोग कहेंगे छूट गए बेचारा, मन ही मन चलते रहेंगे तुम्हारी लाश देखकर। कमाल है यार, कैसी बातें कर रहा है, अब बस कर, हम लोग साले यहां खुशी मनाने आए। खुशी तो गांव में है सोमा, हम उस मिट्टी के पले हुए हैं, हमारी जड़ें तो वहां हैं, यहां हम जी नहीं पाएंगे। तुम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लो जो हमें पकुरी वापस ले जाए। अब सोचूंगा यार, अभी खाली पेट सोचना जरा मुश्किल है। ले खा ले, खा बस। अरे खा ना। नहीं बस। बस, बस। अब क्या हुआ? सोच रहा हूं जब मेरी पहली तनख्वाह होगी तो तुझे भी ऐसे ही मटन खिलाना पड़ेगा।
खोखली। ये भी खोखली। चल जाएगी खोखली। ऐसे कैसे चलेगा फूलवंती भाई, काम में जरा दिलचस्पी लो। क्यों, खोखली बीड़ियों के थोड़ा ही दाम मिलने वाले हैं? बाबा आज भी आपकी दवा नहीं ला पाई, कल ले आऊंगी। आज गेहूं लाई हूँ। अच्छा किया बेटा, मैंने चाय बना के रखी है, गरम करके पी लेना। सुनो मेरे लिए भी ले आना थोड़ी। बाबा, अरे मैंने तुझे चाय मांगी थी, ये क्या पिला रही हो तुम? पी लीजिए। अरे अरे बत्ती बुझाओ ना। ठहर यार, अभी टाइम नहीं हुआ है। आधा घंटा हुआ, ये उस्ताद गोदी में पोस्टकार्ड लेकर बैठा है। रामायण लिख रहा है क्या? ए, उसे मत सताओ, अपनी बीवी को चिट्ठी लिख रहा है, तुम्हारे जैसा नहीं है। अपन तो अपनी बीवी का नाम ही भूल गए। भूल गए सारी बात है, पहली मुलाकात ये पहली मुलाकात। किस सोच में पड़ गए हो? क्या लिखूं, कैसे लिखूं? अनपढ़ बीवी को कैसे लिखते हैं, किससे पढ़वाएगी वो? लिखो आगे समाचार कुशल, बाकी खुद ही समझ लेना। समझ लेगी। अरे इतने उदास क्यों हो? हम में से किसी की भी तो बीवी आ रही है। हाँ, अरे इसकी शादी नई नई हुई है, नया नवेला है। अरे तो बुला लो यहाँ बंबई 8-10 दिन के लिए। हाँ तो बुला लो भाभी को। और उसे रखूंगा कहाँ, इस गाड़ी में? हाँ यार, सुनो वसंत, सोना होने की अपनी खोली है चाल में। हाँ यार, वो छड़ा आदमी है। जब भी किसी के बीवी बच्चे गांव से आते हैं, ये अपनी खोली उन्हें दे देता है। हाँ, उसे पूछो क्यों। नौकरी है यार, दिहाड़ी पर ही तो है, 8 दिन का घाटा होगा और क्या। अरे बुढ़ा अकेला है वहाँ। लो वैसे ही दाजी वा बीड़ी पी के जीते हैं, कुछ दिन हमारे यहाँ चले जाया करेंगे। हो स्वाभाविक, जल्दी कर यार, अन्ना आएंगे। लो अमित ले कद्दू। बाबा आ गए, बाबा आ गए। भाई शाबाश, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है भाई। आज जल्दी कैसे आ गए? मैंने सोचा आज बच्चों के साथ खाना खा लूं। और तुम्हारी कुएं रानी मान गई? देखा बच्चों, देर से आओ तो गालियां और वक्त पर आ जाओ तो टेढ़ी बात। अब बताओ आदमी करे तो क्या करे। मैं बताऊं बाबा, आप कद्दू की तरह रूठ जाइए। हाँ, खाना ही मत खाइए। खाना ही मत खाइए बदमाश, इसलिए कि मेरे हिस्से का खाना तू खा जा। ला ये देख, ऐसे रख के। वाह, बालों में गजरा, क्या बात है। मेरे बच्चे लाए हैं मेरे लिए फूल, उनका बाप तो कभी लाता नहीं। अब 4 बच्चे हो गए, काहे के फूल। फूल चाहे कोई भी लाया हो, लेकिन गजब के लग रहे हैं तुम्हारे बालों में। क्यों कदू मियां, हैं?
अच्छा जो बच्चे लोग बाहर सोएं। मैं भी। हाँ तुम भी। वो हाँ अमित भैया तुम्हें आज कहानी सुनाएंगे। तुम जल्दी खाना खा लो, मैं बिस्तर लगाता हूँ। बाद में पुलिस की गाड़ी आती है, उई, उई, बोरी में चोर छुपता है, बाद में मिथुन ऐसे उड़ी मारता है उस पर। ए! 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 ला ये देख, ऐसे रख के वाह बालों में गजरा, क्या बात है। मेरे बच्चे लाए हैं मेरे लिए फूल, उनका बाप तो कभी लाता नहीं। अब चार बच्चे हो गए काहे के फूल। फूल चाहे कोई भी लाया हो, लेकिन गजब के लग रहे हैं तुम्हारे बालों में। क्यों कदूमिया हैं? अच्छा जो बच्चे लोग बाहर सोएं। मैं भी। हाँ तुम भी। वो हाँ अमित भैया तुम्हें आज कहानी सुनाएंगे। तुम जल्दी खाना खा लो, मैं बिस्तर लगाता हूँ। हाँ बताओ। बाद में पुलिस की गाड़ी आती है, उई, उई, बोरी में चोर छुपता है, बाद में मिथुन ऐसे उड़ी मारता है उस पर। ए! 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 कब खाओगी माँ? वो खा लेगी, तुम उसकी चिंता मत करो, अपना खत्म करो। कब से बैठी?
जल्दी करो ना, तुम्हारा तो काम बस खत्म ही नहीं होता। आ रही हूँ, जरा तो सबर करो, अभी आई सब समेट कर, तब तक तुम बीड़ी पियो। बीड़ी नहीं, बीड़ी नहीं, बस अब तुम आ जाओ। और गिर गया दम। ए, सो जाओ ना। सो गए क्या? उठो। उठो ना, मैं आ गई हूँ। उठो। क्यों, कल? अभी नहीं, कल। तू ही सो जा, थक गया हूं। अक्की, एक नया मेंबर ले आया हूं, अपने गांव का है, सोमा सरपट। परशुराम सरपट को जानती हूं ना? परशुराम? हाँ। क्या वही जो? हाँ वही। अच्छा अच्छा, तो आप परशुराम सरपट के भाई हो? तो क्या परसा अभी भी कुआं को? हाँ, खोता है। अच्छा अच्छा, तो आप सोमा का खाना यहाँ? ना भाई ना, मैं और मेंबर नहीं बढ़ा सकती, मेरा हाथ बटाने को यहाँ कोई नहीं है। बहू मैं के गई है, ससुरी को अब भी जाना था, वो अगले महीने वापस आएगी। पहले ही 60 आदमी है, अब और आदमी बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। बहू वापस आएगी तब देखूंगी। हाँ, कैसी बात कर रहे हो आपकी, जब तक बहू नहीं आती कोई बाई रख लो भाकरी बनाने के लिए। हाँ, कोई बाई रख लो। है कोई इस बंबई शहर में जो 15 दिन के लिए आए और ढंग से काम करे? तुम्हें क्या, बुला लाओ अपनी बीवी को गांव से। मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, अब तुम्हारी खातिर शादी कर लूं क्या? बोलो, मजाक छोड़ो, सोमा को तो तुम्हें खिलाना ही होगा। तुम नहीं मानोगे। अच्छा, कल से इनका डब्बा ला पटक देना यहाँ। ले पकड़ सर। देख तो, चिट्ठी आई है बंबई से। तो क्या शर्मिला, पढ़ के सुना। मुझे फुर्सत नहीं है, स्कूल से आएगा तब जितेंद्र से पढ़वा लेना। छी, लड़के से पढ़वा लूं? तुम ही पढ़कर सुना दो ना। देख, लो। उल्टा। मेरी प्रिय पत्नी। आओ ऊपर आओ। आजा। आजा। आओ आओ, अंदर आओ, आओ आओ भाभी आओ। ये खुली 7 दिन तुम्हारी है, अब महल तो नहीं है? हमारे लिए तो महल से बढ़कर है।
ये नलका पानी आता है सुबह 4 बजे 20 मिनट के लिए, ट्रंक वहां रख दो। हाँ भाभी, स्टोव स्टोव वगैरह पड़ा है, चाय वाला। ये पलंग, पलंग मजबूत है देखिए। हाँ ये कमरा तुम्हारा 7 दिन के लिए। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलोगे भी तो याद दिलाऊंगा। अच्छा अच्छा, आओ ना। शबनम भूल गया हूं। माला सात माला वापस नीचे चल। अरे क्या है यार, पता नहीं कहां से चले आते हैं। भाभी कैसी लगी बंबई? बड़ी है, बहुत लोग हैं। कल से बस मैं ही हूँ और ये छोटा राज अपना, बाकी बंबई से कोई लेना देना नहीं। तुमने भाभी को अपना गाला नहीं दिखाया? पागल है क्या, गाला भी कोई दिखाने की चीज है? हाँ भाई, अब तो तेरी अपनी खोली है। तू भी चल ना खाना खाने के बाद। मुझे कहीं और जाना। अरे आओ ना। चल चल अरे जाना जाना जा। मौसी नीना को भेजो। तू जा। Thank you.
जी बाबा, खाना तो नहीं हुआ ना? थोड़ी सब्जी लाई हूँ। बेटे क्यों लाती हो रोज कुछ ना कुछ घर से? आप वही खाना खाने आ जाते तो नहीं लाना पड़ता, लेकिन आप कहाँ मानते हैं। अच्छा अच्छा, लीजिए आज सब्जी मैंने बनाई है। कैसी है? अरे बहुत खूब बहुत खूब। खाना बनाना तो सीख गई बेटियाँ, अब तुम्हारी शादी का सोचते हैं। खाना बनाना सीख लिया माँ का हाथ बटाने के लिए, किसी पराए घर में चूल्हा फूकने के लिए नहीं। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, तब सोच लेंगे। अरे वक्त कब आएगा? जब बाबा के कुएं में पानी भर जाएगा। ये क्या, मेरी साड़ी गीली कर दी। फिर उतार दो। क्या कर रहे हो, बस भी करो। कल सुबह की शिफ्ट है, जल्दी उठना है। तो मुझे जल्दी सोने दो, समझी? लो और सुनो, मैं तुम्हें सोने नहीं देती। ए बाबा रूठो मत, तुम्हें मनाने में आधा घंटा लग जाता है, क्यों खामखा वक्त बर्बाद करना? अब इस वक्त कौन हमारा? अरे खोलो ना। मम्मा खोलो। कौन है? कौन है क्या, हम है और कौन है, खोलो पहले। हम मतलब कुछ नाम बाम है कि नहीं? मम्मा मम्मा दरवाजा खोलो ना। अरे खोलते हो कि नहीं, खोलो। हाँ, क्या है? ये गणपत सोनाने की खोली है ना? हाँ। तो वो कहाँ है, हमें लेने असिस्टेंट पे क्यों नहीं आए? आप कौन है? मैं उनकी बहन हूँ, सगी बहन, कोल्हापुर की। ए चलो चलो अंदर आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो पहले। हाँ चलो। नहीं मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, इतने आदमियों के बीच एक अकेली औरत। और कोई चारा भी तो नहीं भाभी? बोलो ना, और कोई तो रास्ता होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हो तुम? लेकिन सोमा ये कैसे हो सकता है? हाँ यार ये कैसे हो सकता है? अरे कमाल करते हो यार तुम। अगर आज हमने उसे यहाँ सोने दिया तो रोज ही कोई ना कोई अपना एक नया मेहमान ले आएगा। हाँ बिल्कुल। कमाल करते हो यार तुम लोग, ये रोज रोज की बात नहीं है। मेरे मर होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ औरत। औरत कहाँ औरत, ले आओ उसे। इस बेवड़े को नीचे बिठा यार। सोमा उसे मना कर दो। हाँ जाओ उसको मना कर दो। हाँ यार मना कर दो, जाओ मना कर दो। अजीब कमीने लोग हो यार तुम, गाँव चाहिए बहन का तुम सड़क पर सोने दोगे? उठो उठो, जल्दी करो ना तुम लोग। हाँ कर रहे हैं यार। ए क्या कर रहे? प्रभु राखो लाज हमारी। अरे तुकाराम को कुछ पहनाओ यार। ये बाबू उठो ना बाबू। ए बाबू, ए बाबू यार उठो ना बाबू, ले जा। हाँ अब बुला लो। ए लक्ष्मण बत्ती बुझा दो। भाभी बोतल आ
रहा। उदास मत होना, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। बंबई में एक रात और गुजारना मेरे पास के पास नहीं है। तुम बकुरी वापस लौट आना जल्दी, मैं इंतजार करूंगी। भाभी ये यहाँ से कैसे? भाभी भाभी ये हमारे घर पहुंचा देना, और भाई और भाभी से कहना कि हम ठीक हैं, हमारी फिक्र ना करना, और हम मनी ऑर्डर जल्दी भेजेंगे। चलो चलो है? चलो जल्दी है भाभी। अच्छा भाभी चिट्ठी लिखना भाभी। अब चलना, बस चली गई। सोमा इस बंबई नगरी को छोड़ूंगा नहीं, पैसे वसूल करूंगा इससे, फिर वापस जाऊंगा अपने घर जल्दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल। कद्दू देख। जितेंद्र शॉट मेरे नाप की है। हाँ अब खुश? ये क्या, चाचा की चिट्ठी है। अच्छा अच्छा पढ़ो पढ़ो। तुम बच्चों के लिए छोटी मोटी चीजें भेजी हैं, झगड़ा मत करना। इस बार जितेंद्र के नाप की शर्ट भेजी है, बाद में अमिताभ और कद्दू भी पहन सकते हैं, तब तक फट भी जाएगी। पढ़ना। बम्बई से एक टोपी भेजी है, परसु भैया धूप में काम करते हैं इसलिए खास उनके लिए भेजी है। अरे लड्डू, अरे 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 वैसे तुम जल्दी लौटाई फूलवंती, दो चार दिन और रुक जाती मियाँ के पास। हाँ लेकिन यहाँ बाबा भी तो अकेले ही थे, हालांकि तुम लोगों ने उनकी अच्छी तरह देखभाल की। अच्छा चलूं, कल से चलूंगी मैं तुम्हारे साथ कारखाने। तुम जाओगे ना? हाँ ना जाऊं तो इन सबकी रोटी कहाँ से आएगी? कुएं से। बारह साल हो गए, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। ये ले, देखता हूं कब तक पत्थर निकलते हैं।
तेरा इरादा क्या है? अरे इरादा तो नेक है, तुम्हें मालूम है। अरे इसी तरह जी तोड़ मेहनत करता रहा तो जल्दी ही पहुंच जाएगा, लेकिन बकरी नहीं कहीं और। हंसने की बात नहीं वसंता, जरा सोच समझ के चलो। अब तुम आजाद पंछी नहीं रहे मेरी तरह, शादीशुदा हो, जिम्मेदार इंसान हो। इसीलिए तो इतना काम कर रहा हूं, पैसा जोड़ रहा हूं। मैंने पूरा फैसला कर लिया है, थोड़ी सी पूंजी जमा होती बकुरी लौट जाऊंगा। अपने जैसे 8-10 जवान मर्द इकट्ठा करूंगा, सभी तो बंबई नहीं आए, एक रोटी में। वहां सहकारी तौर पर कुछ काम शुरू करेंगे। मेरी मानो सुमा, तुम भी लौट चलो, धीरे धीरे तुम भी मशीन बनते जा रहे हो, बल्कि मशीन का एक छोटा सा पुर्जा। कुछ दिनों बाद इन बीमार मशीनों की तरह तुम भी निकम्मे हो जाओगे, घुट घुट कर दम तोड़ दोगे। अरे जरा सोचो तो, बना देंगे। तू जो मर्जी सोच ले, कह ले, मेरा इन मशीनों का साथ अब नहीं छूटने वाला। चलो ठीक है, हम कभी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन एक बात पक्की है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी बकुरी वापस चलने को नहीं कहूंगा, और ना ही तुम मुझे यहां रोकने की कोशिश करोगे। ठीक है? अरे आओ दाजी बा। हाँ। राम राम। क्या खबर? अरे चिट्ठी लिखवानी है बम्बई, क्या लिख दोगे? हाँ हाँ लिखूंगा, क्यों नहीं। हाँ। लेकिन 50 पैसे लेता हूँ, मालूम है ना। हाँ। ये पता है, लिखो। और वसंता को आशीर्वाद वगैरह वगैरह तुम लिखो। चिरंजीव वसंत दाजीबा मांडरे को उसके पिता दाजीबा दशरथ मांडरे का शुभ आशीर्वाद पहुंचे। आगे समाचार ये है। आगे समाचार है, पैसे मंगवाने हैं? नहीं। तो तबीयत तुम्हारी? अरे अट्टा कट्टा हूँ, तुमसे तो तंदुरुस्त हूँ। बस लिखो, तुम तुरंत बकुरी चले आओ, बंबई छोड़ दो, आगे पीछे का कुछ मत सोचो, इस चिट्ठी को तार समझ के तुरंत चले आओ। क्या कह रहे हो दाजीबा? वसंता तो अभी भी जाके बॉम्बे में जम पाया होगा, उसे वापस बुलाओगे? तुम्हें लिखने के पैसे दे रहा हूँ, सलाह देने के नहीं। सलाह तो मुफ्त में है दाजी दादा, दोस्ती में। ठीक है, बस तुरंत चले आओ। आगे। हाँ लिखो। हाँ, दरअसल बात ये है। दरअसल बात ये है। क्या बात क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताने लगा? ये लो पढ़ो। पता नहीं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। हो सकता है बाबा बीमार हो। ऐसे तो नहीं लगता। या शायद लिखना ना चाहते हो, या फिर फूलवंती। अरे अभी अभी तो गई भाभी यहां से। ऐसा तो नहीं दाजी बाप बुढ़ापे में खत पूरा करना ही भूल गए हो? वो खुद थोड़े ही लिखते हैं, लिखवाते हैं। सुमा, ए वसंत, चलो।
खैर, ख्याली घोड़े दौड़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम हो। यार सोचता था थोड़ी पूंजी जमा करके चला जाता तो ठीक था। अब अरे एक बार वहां के राग रंग अजमा लो ना, अपने जवान दोस्तों से मिलकर अपनी योजना समझा दो, बुजुर्गों की सलाह लो, 8-10 दिन के लिए हो आप। और वैसे भी सोचना क्या है, इसमें साफ लिखा है कि बस चले आप, कोई ना कोई बात तो होगी ही। अरे वसंता तुम कब आए? ये क्या, अभी तो आ रहा हूँ। अरे सबको मिलना है, काम है। गंगा चाची, ए गंगा चाची भूल गई क्या? वसंता तुम आ गए? हाँ। अच्छा किया बेटा जो आ गए। कद्दू। वसंत चाचा। ओ वसंत चाचा तुम बंबई से कब आए? सोमा चाचा ने कुछ भेजा? बेटे मैं बहुत जल्दी में आ गया, ये ले सुपारी ले। भाभी कहाँ है? माँ तो बीड़ी कारखाने गई है। फुलवंत की चाची भी वहीं गई है। अच्छा परशा भैया कहाँ है? वो 3 दिन से अन्ना के खेत पर काम कर रहे हैं। मतलब कुएं को आराम है? नहीं शाम को कुआं खोदते हैं काम से आ जाने के बाद। लेकिन तुम ही अचानक कैसे आ गए? बाबा ने बुलावा भेजा था। हमारे घर में सब ठीक ठाक तो है ना? अच्छा कद्दू बाबा। अरे वसंता बाबा आओ बेटा आओ, आओ। कैसे हो बाबा? बस ठीक हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया। कैसे हो, क्या बात? अरे जरा सांस तो लो, अभी अभी सफर से आया, घर में गुड़ पानी लिया था। नहीं आप बैठे, मैं लाता हूँ। मैं तो बैठे ही रहता हूँ, आज तू जरा आराम कर। बाबा लगता है यहाँ का। लो बेटे गुड़ पानी लो। हाँ आप बताओ। अरे बहुत वक्त है बता, देखो तुझे मुंह हाथ धोना है कि नहीं? उठ चल। ये कैलेंडर बाबा। हाँ ये आपकी दवा, कहते हैं खांसी के लिए बहुत अच्छी है। लगता है आपकी बहू अच्छा कमाने लगी है। आप अचानक, बताया नहीं, पहले बताते तो काम पे नहीं जाती। चाय रखती हूँ। खाओ भी। आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
अरे वाह वाह वाह, आज खीर है। ओ अरे फुलवंती भाई, अजी भूखे मुसाफिर को खाना वाना मिलेगा कि नहीं? हाँ मैं राम राम, आप आ जाए, चलने दो, मैं तो यहां से गुजर रहा था तो हाँ दजबा, ये आपका 3 दिन का राशन, कहीं एक ही दिन में खत्म मत कर देना। अच्छा मैं चलता हूं, आप चलने दो। को मिला और यह चमत्कार हमारे एक प्रिय मित्र ने कर दिखाया। 12 साल अविरत परिश्रम करके परशुराम जी ने कुआं खोदा। हमें विश्वास था कि एक न एक दिन उन्हें फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने हमारा विश्वास पूरा कर दिखाया। ये उन्हीं के परिश्रम का फल है। परशुराम जी, ग्राम वासियों के आदर और प्रेम का प्रतीक ये छोटा सा बोर्ड हमने यहाँ लगवाया। बुआ जरा बजाओ क्या? अरे ठहरो ठहरो। अरे परशा कुछ बोलो, बोलो 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 तुम। मैं क्या बोलूं,
मैं तो सिर्फ कुआं खोदना जानता हूं। हां, इस बोर्ड को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि इसे लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। इस पर तो लिखा होना चाहिए था पागल परसा का कुआं। परशुराम, अब तुम्हें पागल कौन कहेगा? तुम्हारे घर तो लक्ष्मी आई है। दोस्तों, अगर लक्ष्मी आई है तो केवल मेरे घर नहीं, पूरे बकुरी गांव में आई है। इस कुएं का पानी सबका होगा। सबका मतलब सबका, निचली बाड़ी से लेकर सरपंच जी के घर तक। इस कुएं में हम मोटर लगाएंगे और जानकार लोगों की मदद से हम पूरे गांव के लिए वो योजना बनाएंगे। कुआं माता, हमारी बहुत लंबी परीक्षा लेकर आखिर तुम प्रसन्न हुई। तुम्हारा आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे कुआं माता। बाबा, सौत की माता बन गई। अरे आप बजाओ ढोल। ए वसंता, तुम आ भी गए। हाँ। मैंने तो 10 दिन और दिए थे तुझे अपनी तरफ से। खैर, शशि, अनिल, मुकुंद मिले, सब तय करके आया है ना? हाँ, सोमा मैं वापस आ गया हूँ। अबे वो तो देख ही रहा है सामने जो खड़ा है। वापस मतलब बंबई, हमेशा के लिए। अब मैं यही रहूंगा। क्या कह रहा है? तुम ठीक कह रहे थे सोमा, एक बार बंदा बंबई आ गया तो यहीं का होके रह जाता है। मुझे भी इस माया नगरी ने अपने जाल में फंसा ही लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू इस तरह बदलने वालों में से नहीं है। कमाल है, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं और तू मानने को तैयार नहीं। यार, तुम ही तो रात दिन मेरा दिमाग चाटते रहते थे। यही सब कुछ है, यही जिंदगी है, गांव में क्या रखा है। तुम बिल्कुल सही कहते थे सोमा, मैं 2 ही दिन में बकुरी में उग गया। अरे कैसी बात कर रहा है यार, बकुरी में तेरी बीवी है, बाप है। अरे करोड़ों मजदूर अपनी बीवी या माँ बाप को गांव में छोड़कर आ जाते हैं शहर में। एक मैं और सही। कमाल है, मैंने सोचा था तुम सुनकर खुश हो जाओगे। हम डटकर काम करेंगे सोमा, 2 दोस्त मिलकर। मेरा लाइसेंस भी पक्का होने वाला है। कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे। ठहर बसंत, मैं वापस जा रहा हूं यार। वापस? हाँ वापस, बकुरी हमेशा के लिए। ये देख, परसों भैया के कुएं में पानी लग गया। ये शुभतिलक देख, ये हमारे कुएं का कीचड़ है। मालूम है, गांव वालों ने परशुराम भैया का बड़ा सम्मान किया था। मैं जा नहीं पाया। सहकारी खेती की बात तूने ही तो छेड़ी थी, उसे हम पूरा करके दिखाएंगे वसंत, अपने गांव में। जरा सोच, हम खेती करेंगे बकुरी में। तेरा ही तो सपना था अपने गांव को हरा भरा करने का। हमारी जड़ें हमारे गांव में हैं यार, हम वहीं फलेंगे फूलेंगे। परसु भैया लिखते हैं कि गांव की हर झोपड़ी में एक नया जोश भरा हुआ है। हम वहां जाकर अपने गांव को हरा भरा करेंगे, फिर और गांव वालों को इकट्ठा कर देंगे, वो भी अपने गांव को।